गुड आफ्टरनून बच्चों, आज आप लोग संस्कृत कथा नाटक कौमुदी के अंतर्गत पाठ एक गार्गी याज्ञवल्क संवाद पाठ से संबंधित सारांश तथा पाठ पर आधारित लघु उत्तरी प्रश्न पढ़ेंगे। सर्वप्रथम बच्चों, आप लोग को ये जानना आवश्यक होगा कि प्रथम संस्कृत कथा नाटक कौमुदी से मात्र पाठ के अंतर्गत दिए गए पात्रों का चरित्रण जो 4 अंकों का होता है पूछा जाता है, तथा दूसरा पाठ पर आधारित लघु उत्तरी प्रश्न संस्कृत में पूछे जाते हैं। गद्यांश का अनुवाद परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। पाठ एक गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद, गार्गी और याज्ञवल्क की बातचीत, संवाद का मतलब बातचीत। पाठ परिचय। गार्गी याज्ञवल्क संवाद नामक प्रस्तुत संवादात्मक पाठ बृहदारण्य उपनिषद में वर्णित एक आख्यान पर आधारित है। इस आख्यान में मिथिला नरेश महाराजा जनक की सभा में महर्षि याज्ञवल्क और गार्गी के बीच हुए एक विद्वत्तापूर्ण शास्त्रार्थ का वर्णन किया गया है। इस शास्त्रार्थ प्रकरण से यह ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत में भी नारियां सुशिक्षित और शास्त्रज्ञ होती थी, अर्थात वो पढ़ी लिखी होती थी और उन्हें शास्त्र का भी ज्ञान होता था, तथा उनको सभा के मध्य विद्वान मंडली में पांडित्य प्रदर्शन की क्षमता भी प्राप्त थी। पाठ का सारांश। सर्वोच्च ब्रह्म ज्ञानी की खोज। आज से सुदीर्घ काल पूर्व, बहुत समय पहले, मिथिला के राजा महाराज जनक ने एक यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में कुरु और पांचाल देशों में से महाविद्वान ब्राह्मण आए हुए थे। महाराज जनक ने ब्रह्म विद्या में सर्वाधिक पारंगत विद्वान का पता लगाने की इच्छा से सोने से मंडित सींगों वाली 1,000 अर्थात 1,000 गायें, 1,000 गायें मंगवा करके सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी को उन्हें ले जाने के लिए कहा। महाराज जनक की इस घोषणा को सुनकर सभी ब्राह्मण मौन हुए बैठे रहे, वो चुपचाप बैठे हुए थे, और उन गायों को ले जाने के लिए कोई भी ब्राह्मण आगे नहीं आया, उद्दत नहीं हुआ। इसी बीच याज्ञवल्क ने अपने एक शिष्य को सब गायें अपने आश्रम में ले जाने के लिए आदेश दे दिया, उससे कह दिया कि तुम इन सब गायों को घर ले जाओ। अश्वल की पराजय। अब बच्चों जानिए कि अश्वल कौन था। महाराज जनक के होता अर्थात हवन आदि कराने वाले को होता कहते हैं। महाराज जनक के होता अश्वल द्वारा ये पूछे जाने पर कि क्या याज्ञवल्क सर्वोच्च ब्राह्मज्ञ हैं, ब्रह्म को जानने वाले हैं, याज्ञवल्क ने उत्तर दिया कि वे इन गायों को अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए ले जा रहे हैं, ब्रह्मज्ञानी होने के कारण नहीं।
इस बात को सुनकर अश्वल तथा कई अन्य ब्राह्मणों ने उन्हें शास्त्रार्थ के लिए ललकारा और उनसे शास्त्रार्थ कर अश्वल और अन्य सभी ब्राह्मण याज्ञवल्क से पराजित हो गए। गार्गी द्वारा याज्ञवल्क से प्रश्न। अब गार्गी और याज्ञवल्क इन दोनों लोगों का संवाद होता है। उसके बाद गार्गी याज्ञवल्क से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछती है। अश्वल आदि ब्राह्मणों के याज्ञवल्क से पराजित होने पर गार्गी ने महर्षि याज्ञवल्क से ब्रह्म विद्या विषयक कई गूढ़ प्रश्न, रहस्यमयी प्रश्न पूछे। याज्ञवल्क ने अत्यंत धैर्य से गार्गी द्वारा किए गए प्रश्नों के उत्तर दिए, जो युक्ति संगत थे। प्रश्नोत्तर इस प्रकार है। जल कहाँ है? अंतरिक्ष लोक में। अंतरिक्ष लोक कहाँ है? गंधर्व लोक पर विस्तृत रूप में प्रसृत। गंधर्व लोक किस में व्याप्त है? आदित्य लोक में। आदित्य लोक किस में व्याप्त है? चंद्रलोक में। चंद्रलोक कहाँ है? नक्षत्र लोकों में। विस्तृत चंद्रलोक किस में व्याप्त है? देवलोक में। देवलोक कहाँ है? इंद्रलोक में। इंद्रलोक किस में व्याप्त है? प्रजापति लोकों में। समस्त प्रजापति लोक किस में व्याप्त है? ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक कहाँ है? इस प्रश्न के उत्तर में याज्ञवल्क ने कहा कि गार्गी ब्रह्मलोक को अतिक्रांत कर प्रश्न मत करो, अन्यथा तुम्हारा सिर धड़ से गिर जाएगा। याज्ञवल्क के इस उत्तर को सुनकर जब गार्गी शांत हो गई, तब उद्दालक ने उन्हें अर्थात याज्ञवल्क को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। अब बच्चों जानिए कि उद्दालक कौन है। उद्दालक और याज्ञवल्क का शास्त्रार्थ होता है। कुछ प्रश्न करके उनके उचित उत्तर पाकर उद्दालक भी याज्ञवल्क से पराजित हुए। याज्ञवल्क भी उस सभा में विद्यमान थे, जो गार्गी और याज्ञवल्क के संवाद के पश्चात उन्होंने भी याज्ञवल्क से विभिन्न प्रकार के प्रश्न किए और वो भी याज्ञवल्क से पराजित हो गए। गार्गी के अन्य दो प्रश्न। उद्दालक के पराजित होने पर गार्गी ने उपस्थित ब्राह्मण समुदाय से आज्ञा पाकर पुनः याज्ञवल्क से दो और प्रश्न पूछे। गार्गी पुनः उद्दालक के पश्चात दो और प्रश्न याज्ञवल्क जी से करती हैं। द्यूलोक से ऊपर और पृथ्वी लोक के नीचे क्या है? याज्ञवल्क जी ने उत्तर दिया कि यह सब आकाश में व्याप्त है। ये आकाश किस पर आश्रित है? फिर उन्होंने क्वेश्चन किया, फिर प्रश्न किया कि यह आकाश किस पर आश्रित है? याज्ञवल्क ने उत्तर दिया कि आकाश तो अविनाशी ब्रह्म में ही ओतप्रोत है। गार्गी की संतुष्टि और याज्ञवल्क की अजेयता की घोषणा। अंत में दोनों लोगों के बीच, याज्ञवल्क और गार्गी जी के बीच में संवाद होने के पश्चात गार्गी जो है वो याज्ञवल्क के उत्तरों से संतुष्ट हो जाती हैं और याज्ञवल्क को अजेय
घोषित कर देती है। याज्ञवल्क्य के युक्ति संगत उत्तरों से संतुष्ट हुए गार्गी ने सभी उपस्थित ब्राह्मणों से कहा कि ब्रह्म विद्या में महर्षि याज्ञवल्क्य किसी से भी पराजित नहीं हो सकते हैं। इसलिए आप सभी विद्वान महान भाव सम्मान इन्हें नमस्कार करके अपने अपने स्थान को वापस चले जाए। बच्चों, इससे संबंधित अर्थात इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर है जो संस्कृत में पूछे जाएंगे और संस्कृत में ही उनका उत्तर देना होता है। प्रथम प्रश्न है, जनकः कः आसीत्, जनक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा, जनकः मिथिलाधिपः आसीत्, मिथिला के राजा थे। या ऐसे भी लिखा जा सकता है बच्चों, जनकः मिथिला मिथिला या मिथिलाया नृपः आसीत्। अगर मिथिला लिखते हो तो डैश लगा करके नृपः मिथिला डैश नृपः आसीत्, जनक मिथिला के राजा थे। प्रश्न नंबर दो, जनकस्य यज्ञ कुतः ब्राह्मणा समागता? जनक के यज्ञ में कुतः कहां से ब्राह्मणा ब्राह्मण समागता आए थे या पहुंचे थे? उत्तर, जनकस्य यज्ञ ब्राह्मणा कुरु पांचाल देशेभ्यः समागता। जनक के यज्ञ में, जनकस्य यज्ञ, जनक के यज्ञ में ब्राह्मण कुरु पांचाल देश से समागता आए थे। प्रश्न नंबर तीन, याज्ञवल्क्य स्वशिष्यम किम अकथयत? याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य से किम क्या अकथयत कहा? उत्तर, याज्ञवल्क्यः स्वशिष्यम् अकथयत्, हे सोमाहर एताः गाः अस्मत् गृहान् नयतु। याज्ञवल्क्य ने स्वशिष्यम् अपने शिष्य से अकथयत् कहा, हे सोमाहर हे सोम एताः गाः इन गायों को अस्मत् गृहान् हमारे घर नयतु ले जाए। प्रश्न नंबर चार, जनकस्य होता कहा आसीत? जनक का होता कौन था? जनक के यहाँ यज्ञ कराने वाला कौन था? अर्थात जनक का यज्ञ करने वाला कौन था? उत्तर, अश्वला जनकस्य होता आसीत, अश्वल जनक का होता था, अर्थात यज्ञ करने वाला था। प्रश्न नंबर पांच, ब्राह्मणा सकोपम कम किमूचु? ब्राह्मणों ने सकोपम क्रोध के साथ कम माने किसको किमूचु क्या कहा? उत्तर, ब्राह्मणा सकोपम याज्ञवल्क्यम ऊचु, ब्राह्मणों ने क्रोध के साथ याज्ञवल्क से कहा, कथम न अनादृत्य तुम आत्मनम ब्रह्मिष्ठम मनने से? कथम कैसे न मने हम लोगों का अनादृत्य अनादर करके तुम आत्मनम अपने को ब्रह्मनिष्ठ मानते हो? तुम हम लोगों का
अनादर करके अपने को कैसे ब्रह्मनिष्ठ मानते हो? प्रश्न नंबर 6, याज्ञवल्क्या गार्गी किम प्रत्युवाच प्रथमम्। याज्ञवल्क ने गार्गी से क्या पहला उत्तर दिया, प्रत्युवाच क्या पहले बोले? प्रथमम प्रत्युवाच याज्ञवल्क्या गार्गीम किम प्रत्युवाच प्रथमम्। याज्ञवल्क ने गार्गी से पहले क्या, पहले का उत्तर क्या दिया? उत्तर याज्ञवल्क्यः प्रथमं गार्गीं प्रत्युवाच। याज्ञवल्क्य ने पहले गार्गी का, गार्गी से बोले कि यत ताह आपा वायौ ओताः प्रोताश्च सन्ति, कि ताह आपा वे जल वायु वायु से ओतप्रोत हैं। प्रश्न नंबर 7, गार्ग्या द्वितीय प्रश्नस्य याज्ञवल्क्यः किम उत्तरम अददात्। गार्गी ने द्वितीय प्रश्न का याज्ञवल्क्य को क्या उत्तर दिया? उत्तर गार्ग्या द्वितीय प्रश्नस्य याज्ञवल्क्यः उत्तरम अददात्। गार्गी ने द्वितीय प्रश्न का याज्ञवल्क से उत्तर अददात दिया, यत कि आकाशस्तोक्षरे परब्रह्मणेव ओतः प्रोतश्च प्रोतश्च। गार्गी ने द्वितीय प्रश्न का याज्ञवल्क से उत्तर दिया कि आकाशस्तोक्षरे आकाशस्त अक्षर में परम ब्रह्म परब्रह्मणेव परब्रह्म में ही ओतप्रोत है। आकाशः तो अक्षरे आकाश तो अक्षर में ही परब्रह्म ही अक्षरे ब्रह्म परब्रह्मेव अक्षर परब्रह्म में ही ओतप्रोत है। कहने का तात्पर्य है, उन्होंने कहा कि ये आकाश तो परम ब्रह्म में ही अक्षर में से ओतप्रोत है। प्रश्न नंबर 8, याज्ञवल्क्येन प्रत्युक्ता गार्गी के मकथयत। याज्ञवल्क्य के द्वारा प्रत्युक्तर ने गार्गी ने के मकथयत क्या कहा? याज्ञवल्क्येन प्रत्युक्ता याज्ञवल्क्य के द्वारा उत्तर दिए जाने पर गार्गी ने याज्ञवल्क्येन प्रत्युक्ता गार्गी सर्वान् ब्राह्मणान् गृहं गन्तुम् अकथयत। याज्ञवल्क्य के द्वारा उत्तर दिए जाने पर गार्गी ने कहा कि सभी ब्राह्मण गृहं गन्तुम् अकथयत, सभी ब्राह्मणों को घर जाने के लिए गार्गी ने कह दिया। जब याज्ञवल्क्य ने सारे प्रश्नों का उत्तर तर्क संगत दे दिया तो सभी ब्राह्मणों को घर जाने के लिए गार्गी ने कह दिया। अब बच्चों गार्गी का चरित्रण, पात्रों के चरित्र चित्रण के अंतर्गत गार्गी का चरित्र चित्रण के विषय में बताते हैं आप लोगों को। गार्गी, जैसा कि बताया मैंने कि गार्गी एक विदुषी महिला थी, अर्थात प्राचीन काल में स्त्रियां भी बराबर पढ़ी लिखी होती थी और पुरुषों से भी बराबर शास्त्रार्थ करती थी। ऐसी हमारी विदुषी महिलाएं हमारे देश में हुई हैं, उनमें गार्गी एक है।
गार्गी का चरित्र परिचय। गार्गी महर्षि वाचक्कन की पुत्री थी। गर्ग गोत्र में उत्पन्न होने के कारण पिता ने इनका नाम गार्गी रख दिया था। प्राचीन युग में स्त्री शिक्षा का प्रचलन और प्रसार नहीं था। गार्गी के प्रस्तुत प्रकरण से इस भ्रांत धारणा का निराकरण हो जाता है। अर्थात उस समय स्त्रियां पढ़ती थी, पढ़ी लिखी होती थी। गार्गी की मुख्य चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार है। महाविदुषी गार्गी न केवल संस्कृत भाषा की ज्ञाता और वाचक थी, बल्कि औपनिषदिक सिद्धांतों और तत्वों का भी महान तत्वों का भी उनको भलीभांति ज्ञान था। उनकी यह विशेषता मिथिला नरेश महाराज जनक की विद्वत सभा में याज्ञवल्क से किए गए प्रश्नों में सहज स्वरूप से देखने को मिलती है। उनकी शास्त्रार्थ पद्धति भी बड़ी सुलझी हुई और रोचक है। जैसे कुत्र खलु अंतरिक्ष लोका भगवान गंधर्व लोका कस्मिन ब्रह्मर्षे कुत्र खलु ब्रह्मलोका आदि। दूसरी विशेषता है उनके चरित्र की शास्त्रीय मर्यादा पालिका। गार्गी शास्त्रीय मर्यादा का पूर्णता पालन करने वाली विदुषी महिला थी। उनकी यह विशेषता उस समय परिलक्षित होती है जब याज्ञवल्क जी उनसे कहते हैं कि हे गार्गी, ब्रह्म लोकम अप्यतक्रम में ततः ऊर्ध्वस्य तदा आधारस्य प्रश्नं मा कुरु अन्यथा चेते मूर्धना पतनम भविष्यति। महर्षि याज्ञवल्क की इस शास्त्रीय चेतावनी को सुनकर ना तो याज्ञवल्क से अपने प्रश्न की संगति पर बहस करती हैं वो, और न ही अपनी विद्वता को प्रदर्शित करने का ही पुनः प्रयास करती हैं, बल्कि वो महर्षि याज्ञवल्क के कथन की संगति को मन से समुचित रूप से स्वीकार करती हुई शांत हो जाती हैं। उनके इस शास्त्रानुकूल एवं विद्वत जनोचित व्यवहार से उनकी शालीनता और निराभिमानता भी दिखाई देती है, प्रदर्शित होती है। तीसरी विशेषता है चरित्र की उदात्तमना एवं सुसंस्कृता। गार्गी एक उदात्त मना एवं सुसंस्कृत महिला है। वो सुसभ्य एवं सुशिक्षिता भी है। वो जहाँ विदुषी एवं दार्शनिका है, वहीं वो सत्यता पर आधारित याज्ञवल्क के उत्तरों से संतुष्ट होकर प्रतिपक्ष में स्थित उनकी विजय को न केवल स्वयं स्वीकार करती हैं, बल्कि वह अन्य ब्राह्मणों को विद्वानों से भी स्वीकार करवाती हैं और अन्य विद्वानों सहित स्वयं उन्हें ससम्मान प्रणमन करती और कराती हैं। गार्गी की उदात्त भाव पूर्ण एतद विषय कथन इस प्रकार है। हे भगवंतो ब्राह्मणा, युष्माकं मध्ये इमं याज्ञवल्क्यं ब्रह्मवादं प्रति नैवास्ति कश्चिदपि जेता, अतो नमस्कृते स्वं स्थानं गच्छन्तु तत्र भवन्तो भवन्ता। चौथी चारित्रिक विशेषता है दर्शन शास्त्र की गहन ज्ञात्री। अर्थात दर्शन शास्त्र के विषय में उनकी
गहरी पैठ अर्थात दर्शन शास्त्र का उन्हें बहुत गहरा ज्ञान था। गार्गी दर्शन शास्त्र के महान ज्ञाती हैं। उनकी यह विशेषता उस समय स्पष्ट होती है जब वो महर्षि याज्ञवल्क से दर्शन संबंधी ऐसे गूढ़ प्रश्न पूछती हैं करती हैं जिनका उत्तर देने में याज्ञवल्क जैसे ब्रह्मवादी को भी कठिनाई का अनुभव होता है। उनका अंतिम प्रश्न है कि ब्रह्म से कुत्र खलु ब्रह्मलोकाः, हे ब्रह्म ऋषि ब्रह्मलोक कहाँ है। पर तो याज्ञवल्क को शास्त्रीय व्यवस्था की शरण लेनी पड़ जाती है। याज्ञवल्क की उत्तेजना संभवतः इस प्रश्न के उत्तर देने में उनकी अक्षमता की सूचक है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि गार्गी उपनिषद काल की एक सुसंस्कृत महान दार्शनिक, मर्यादाशील, उदात्त मना और विनय संपन्न आदर्श भारतीय महिला थी। बच्चों, इसमें जो मैंने प्रश्न उत्तर बताए हैं, इन प्रश्न उत्तरों को आप कॉपी पर करेंगे और गार्गी का चरित्र भी। इसके अतिरिक्त वस्तुनिष्ठ पाठ पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हम आपको होमवर्क के रूप में भेजेंगे। आज ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।